हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपसे सामान्य विज्ञान के बारे में, मतलब फिजिक्स के बारे में SSR नेवी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भाई इसमें नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स आप लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन से वर्ग के सभी तत्व धातु हैं? कौन सा वर्ग है आवर्त सारणी में जिसके सभी तत्व धातु हैं? फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दे रखा है फ्रेंड्स, किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस कौन सी गैस को कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन को कहते हैं। मीथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस। चलिए नेक्स्ट, अपकेंद्रीय बल लगता है किसकी ओर लगता है? त्रिज्या के अनुदेश लगता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दंड चुम्बक के मध्य बिंदु पर चुम्बकत्व का मान क्या होता है? आपने देखे होंगे, प्रैक्टिकल किया होगा आपने 12th क्लास में, एक चुम्बक होती है, तो जो चौकोर चुम्बक होती है, जो रबर आपने देखी होगी, जो आप इरेजर लेते हैं आपके पास, जो मिटाने के लिए आप जिसका यूज करते हैं, उस आकार में, या छड़ चुम्बक, या एक पोल के आकार में कोई छड़ चुम्बक होती है, उसमें मध्य बिंदु का मान कितना होता है मध्य बिंदु पर? तो फ्रेंड्स उसमें होता है शून्य होता है, क्योंकि एक साइड में होता है नॉर्थ, एक साइड में होता है साउथ, तो बीचों बीच की बात करें तो मिड पे क्या होता है? जीरो। चलिए नेक्स्ट, चूहे का विष आप जानते हैं, चूहे माननी दवाई बोलते हैं जिसे, तो उसमें कौन सा विष होता है? तो होता है फ्रेंड्स जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रखा है, हेलेंथ्स द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रखा है, ताप की एसआई इकाई क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। नेक्स्ट रखा है, कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा ही होता है फ्रेंड्स। ये बार बार आ रहा है फ्रेंड्स, हीरा कठोर क्यों होता है, ये कारण भी होता है, इसके लिए भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है? तो फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या क्या है? आपने जो आजकल आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 105। नेक्स्ट दे रखा है, जीव का कौन सा भाग संवेदनशील होता है? ऑप्शन नंबर सी, अग्रभाग, आगे का भाग जो होता है वो संवेदनशील होता है। नेक्स्ट दे रखा है, चलती हुई गाड़ी किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो आप जानते हैं चलती हुई गाड़ी किस ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का, गति करती है वो। नेक्स्ट दे रखा है, बैरोमीटर किसका मापक यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब का। रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का इंजन होता है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विपरीत दिशा में कार्यरत ऊष्मा इंजन, क्योंकि आप जानते हैं किसी गर्म चीज़ को रखेंगे तो ठंडा करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा वेग 0.5 मीटर पर सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.625 जूल। नेक्स्ट रखा है, माइक्रोफोन क्या काम करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रखा है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूज तार नाइक्रोम का होता है फ्रेंड्स, नाइक्रोम का। नेक्स्ट दे रखा है, आपने देखा होगा कुछ लोग उसमें तावे का तार लगा देते हैं, उसमें क्या होता है, तावे का तार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स, जो आपका शॉर्ट सर्किट के लिए लगाते हैं आप, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके बाद भी तावे के तार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए नाइक्रोम का ही तार का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, पानी में छड़ मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है? आपने देखा होगा कि आप पानी के कोई टब ले हो, उसमें अगर आप छड़ रखते हैं, आप कोई भी लोहे की या कैसी भी छड़ रखते हैं, तो वो थोड़ी मुड़ी हुई नज़र आती है। क्यों नज़र आती है फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है? इसका कारण है फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। वाट किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स शक्ति का। नेक्स्ट रखा है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? दीर्घ दृष्टि के निवारण हेतु, दीर्घ दृष्टि दोष जो हमारे पास आँखों में हो जाता है, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का
उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का योग कहलाता है, तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रखा है, पारा किससे निकाला जाता है? पारा किससे निकाला जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हिंगुल से। नेक्स्ट रखा है, फ्यूज के लिए महत्वहीन है, फ्यूज के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें में से महत्वहीन है? इसकी लंबाई। नेक्स्ट रखा है, 25, 40 और 60 वाट के तीन बल्ब में किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा जिस 60 वाट के बल्ब का होगा सबसे कम प्रतिरोध? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट रखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा चुंबकीय अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो गैस होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय जिसमें धारा पर सॉरी जो चुंबकत्व का गुण इसमें उत्पन्न नहीं होता है, चुंबकत्व गुण नहीं होता, ठोसों में नहीं होता, पत्थर ले लो कोई होगा नहीं, द्रव्य ले लो द्रव्य में कभी होगा नहीं, और गैस की बात करें गैस में तो होता ही नहीं है, इनमें से मतलब ये सभी ऐसे हैं ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझोगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फ्रेंड्स।